तो हाल फिलहाल में दोस्तों अभी होंडा वालों ने जो है ना तो वो कंफ्यूजन अभी क्रिएट कर दिया है एक न्यू टीजर को अपलोड करने के बाद या फिर न्यू टीजर को रिलीज करने के बाद। वैसे तो ये जो न्यू टीजर पोस्टर है ना तो वो आपके सामने है जैसे ये देख ही सकते होंगे, और ये जो टीजर पोस्टर है तो ये अपकमिंग एक न्यू बाइक का है होंडा कंपनी का, जो की भाई एक नेकेड बाइक होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो वो अगर आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो दोस्तों हाल फिलहाल में होंडा कंपनी ने एक न्यू कॉन्फ्यूजन जो है तो वो क्रिएट कर दिया है भाई। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसा ये जो कि टीजर पोस्टर है ना तो ये देखने के बाद कहीं पर भी यही पता नहीं चल रहा कि ये जो बाइक है तो ये असल में है क्या भाई, और ये जो टीजर पोस्टर है तो इसके अंदर कौन से वाला जानवर को दिखाया जा रहा है। मतलब कि मैं जो कहना चाहता हूँ ना तो वो है कि भाई ये जो टीजर पोस्टर है तो ये एक न्यू बाइक का है, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन भाई ये जो बाइक है तो ये क्या फुल फेयरिंग वाला होगा या फिर नेकेड वाला, मतलब यही अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसके देखो गाइस ये जो टीजर पोस्टर है ना तो इसको देख के अगर मैं बोलूं कि ये एक फुल फेयरिंग वाला बाइक होगा तो भाई मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं गलत हो सकता हूं। क्यों भाई मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि भाई ये जो टीजर पोस्टर है ना तो इसको अगर आप लोग उल्टा करके देखो, अच्छा जरा रुक जाओ मैं ही उल्टा करके दिखा रहा हूं, तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते होंगे कि ये जो टीजर पोस्टर जब उल्टा करके दिखा रहा हूं ना तब कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कि ये जो बड़ा सा एक सर्कल वाला कुछ जो सीन है तो इसके अंदर एक मेन जो हेडलाइट है मतलब कि एक एलईडी प्रोजेक्टर वाला तो वही कुछ सीन देखने को मिल रहा है। और इसके भाई ऊपर देख ही सकते होंगे भाई ये जो टर्न इंडिकेटर्स है तो वो कुछ देखने को मिल रहा है ये येलो कलर्स के अंदर अंदर। बाकी तो कहा कुछ यही चल रहा है कि ये जो न्यू अपकमिंग एक बाइक होने वाला है होंडा का तो ये 150 सीसी से लेके 200 सीसी के अंदर अंदर का एक बाइक होगा। लेकिन भाई अभी के डेट में ये कोई नहीं बता रहा कि ये जो बाइक है तो इसके अंदर कौन सा वाला इंजन होगा, मतलब कि एक लिक्विड कूल वाला इंजन होगा या फिर एयर कूल वाला, तो यही भाई पता नहीं चल रहा है अभी। और उसके ही साथ साथ देखो गाइस अभी इंजन के बारे में ही पता नहीं चल रहा, तो इसी वजह से भाई आपको मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि इस वाले बाइक के अंदर पावर कितना ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन सीधा सीधा एक चीज आप लोग समझ सकते हो कि ये अगर बाइक 150 सीसी से 200 सीसी के अंदर अंदर के आता है ना तो भाई इसके अंदर आपको 11 से कम 24 बीएचपी के अंदर अंदर जो है तो वो कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी तो यही कुछ सीन है कि न्यू जो होंडा का जो एक बाइक आने वाला है ना तो ये एक बाइक होगा ऐसा जो कि बाइक न्यू डिजाइन वाला होने वाला है। वैसे तो इसी न्यू बाइक के अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा तो ये भी एक पूरे तरीके से एलईडी के अंदर अंदर जो है तो वही कुछ देखने को मिलेगा एक्सेप्ट टर्न इंडिकेटर्स। और इसके ही साथ ये भी कुछ सीन है कि न्यू वाले बाइक के अंदर भी आपको डिस्क ब्रेक वाला जो सिस्टम है तो वही कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा ही कुछ अभी कहा जा रहा है। और उसके ही साथ ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो न्यू बाइक है ना तो ये 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के अंदर अंदर जो प्राइसेस है तो उसके ही अंदर अंदर आएगा, मतलब ऐसा कुछ अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके ही साथ ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो न्यू बाइक है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो सस्पेंशन सेटअप तो वो ज्यादातर चांसेस ऐसा ही है कि इस वाले बाइक के अंदर आपको सामने देखने को मिलेगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे देखने को मिलेगा जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर है तो वो ही। और इसके अलावा ये भी कुछ सीन है कि इसी न्यू वाले बाइक के भी अंदर आपको जो मीटर कंसोल है ना तो ये भी अभी कुछ बोला जा रहा है कि अगर कॉस्ट कटिंग नहीं करता है होंडा वाले तो भाई तब आपको देखने को मिलेगा इस वाले बाइक के भी अंदर आपको एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल जिसके अंदर आपको बहुत सारा कुछ फीचर्स तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन भाई ये जो कनेक्टिविटी वाला फीचर्स है ना तो वो शायद से नहीं देने वाला है होंडा कंपनी, ऐसा ही अभी बोला जा रहा है। तो यही भाई कुछ सीन है न्यू वाले बाइक का, मतलब जो होंडा कंपनी की तरफ से भी आने वाला है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।